अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अब्बास और खुश आमदीद हमेशा की तरह मौजूद एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो है भाई जाकिर खान और जिसका नाम है बहुत पिघले हैं। तो हमेशा तो जाकिर भाई सख्त रहते हैं, अब आज क्यों पिघले हैं वो मेरे ख्याल से वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले भाई हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करना ना भूलिएगा। वाकई में गर्मी क्यों नहीं, सो लोग पिघल भी रहे हैं गर्मी की वजह से। और अल्लाह का शुक्र है कि आपके हिंदुस्तान में तो मानसून शुरू हो गया, हमारे पाकिस्तान में आमद है और अब मौसम तो बादलों का हो गया है। तो इसी दौरान क्या कहते हैं, जिस तरह आप पता कि धरती को ऑक्सीजन की और हरियाली की बहुत सख्त ज़रूरत है और वो लाइफ लाइन है हमारी और आने वाली नस्लों के लिए। कि जो इतनी गर्मी का टेम्परेचर बढ़ गया पूरे पाकिस्तान और हमारे बड़े सगीर के अंदर, माना पहले कराची में हमारे शहर में 32-30 से ज़्यादा बढ़ता नहीं था, अब 45-50 अगस्त के चला जाता है। तो ये इसमें हमारी कोताही है कि जो हमने अपनी ही लाइनों को ख़त्म कर दिया, अपनी लाइफ लाइन को, हमने दरख्त सब्ज़ा काट दिया, दरख्त काट दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं वहाँ पर। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाएं, दरख्त ज़रूर लगाएं, तो वो हमारी और आने वाले नस्लों के लिए है। तो बस यही मुझे कह रहा था, बारिशों का आमद है तभी लगा देंगे, तो कम से कम वो फल फूल जाएगा। पहले लगा करो, हाँ पहले लगा देते हैं चलो ठीक। फिर एक दिन देखा सीरियल की साथ अच्छा हो, मेरी मम्मी फिर भी रो गई। वो बुरा लगा बाहर जाकर, क्या मम्मी को बुला दिया। और घर में क्या अपने बहन भी थी, तो हमारे घर में सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं पहुंच पाए। हमने बाबा पैसे देखे, ये औरत काम करती है, इस आदमी से डरना है। बीच का कुछ रहा ही नहीं हमारे लिए। और मेरी मम्मी फुल मेलोड्रामेटिक और हमने बिल्कुल ही मतलब एकदम पूरी एक्टिंग उनकी डॉज की। तो वो बीमार होती थी ना, ऐसी कर रहा थी ओवर एक्टिंग कराने की, हाँ बेटा। और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं थी, हम बिल्कुल अनइमोशनल बच्चे, बैग बैग टांग चड्डी वड्डी में। हालांकि लेटी मम्मी दिख जा रही दोपहर में, लेटी होता क्या गड़बड़ आज थी। मम्मी मम्मी ऐसे अफेक्शनेटली टच भी नहीं कर रहे, ऐसे उंगली से कर रहे। मम्मी मम्मी हाँ बेटा खाना बनाए, खाना बनाए नहीं होना। तो हमको थोड़ा गिल्ट है इस बात कि यार हमने ना अच्छे से मम्मी को ट्रीट नहीं किया। मम्मी रो दी शादी वाली बात, मेरे को बुरा लगा। वापस आया क्या यार, शिट यार, क्या बड़े होने की बात भी आप मम्मी वैसे ही कर रहे हो। वापस आया, तब तक मम्मी मेरी लेवल टू पे जा चुकी थी। आंखों में दो आंसू, लुक अलमारी के शीशे में, और मेरी मम्मी, मैं पीछे खड़ा हूँ, मेरी मम्मी को पता नहीं, कह रही इसको तो घर गृहस्थी में से उलझाऊंगी ना। जिंदगी भर याद रखिएगा, मैं वही पीछे खड़ा हूं। मैंने कहा मम्मी क्या हो रहा है ये। तू आ गया क्या, आ गया, मैं देख लिया मैंने कहा। मैं बहुत खुश हूं कि मैं जिस तरह जिस भी फाइनेंशियल कंडीशन से मैं निकल के आया, मिडिल क्लास फैमिली से, पर अमीरों के बच्चे देखता हूँ मैं, बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल में गए हुए बच्चे देखता हूँ मैं, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है उनके साथ कि इनका तो चूते कट गया यार। इनको इनके माँ बाप इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं कि बेटा ड्राइव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इंडिया इज लेफ्ट एंड राइट एंड राइट, तो आप ऐसे ना ये सब ज्ञान दे रहे इनको। हमारे पापा हमें सिखा के, देख तू गलती करेगा तू मरेगा, वो गलती करेगा तो भी तू मरेगा, देख है एसी चलानी कि अपने को जिंदा रहना रे। जिम गया मैं पहले, ठीक है जब तक बोला जिम जाओ भैया, जिम जाओ, फलाना डिम का पेट निकल लो, ये
चले गए अपन जिम, जिम में गया एक दो बार ट्रेन बना के, सर मैं करा देता हूँ आपको, मैंने तो नाम क्या था राजवीर, मैंने बहुत बढ़िया सेटिंग कर ली उसको, समझ में आया ये तो नहीं करेगा एक्सरसाइज, सर प्लान कर लीजिए, तू करके दिखाना पहले, मैंने कहा पहले मैं देखूंगा तू कितना करवाता, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा तेरा मेरा कितना, तो उसने बोला मैं 3 मिनट कर सकता हूँ, मैंने कहा फिर मैं 30 सेकंड करूँगा ना तेरा, कहता नहीं सर 1 मिनट, ऐसे नहीं ऐसे बार्गेनिंग कर रहा हूँ मैं, और अपनी बार्गेनिंग पावर बहुत अनबन है। जैसे एक बार क्या हुआ, कॉलेज की बात है, लड़की से थोड़ा मोहब्बत हो गई है, ठीक है, अरे बेटा बहुत पिघले तब जाके संत हुए, लिपटे पड़े लोग हाईवे पे कैसे लिपट सकते हमारे वही पारकपुर वगैरह में कहीं दो तीन घंटे बात करी, फिर एक मोमेंट ऐसा बना उठा रहा था, मैंने देखा उनके चेहरे के बगल में जूते है, तो ये कैमरा एंगल शिफ्ट पैंट चौकीदार क्या कर दिए हैं आप, ऐसा जोर से कोई चूमता है भला, लड़की को बेहोश कर दिए हैं आप, अरे कुछ नहीं, अरे गार्ड साहब ये वो, मैं तो यार अपन की मतलब 19-20 यार टूटे ही थे, तुमने कह रहे गार्ड साहब को, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कमी होगी ये कहीं की कलेक्टर की बेटी असली की, मैं कह रहा है कुछ, अरे वो मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ ये वो ऐसा, तू तो डिनाइल ना पाने बात कर, कह रहे ऐसा थोड़ी होता है, देखिए कितना जोर से चूमे हैं आप, इतना डिटेल में तुमसे पूछा क्या हुआ है आप, मैं तो नहीं चूमा है जोर से, पहली बात तो ये, तो ये जब गई ये उड़ गई यहाँ पे नॉकआउट हो गई थी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, अपने को तो अपने अंदर भी तो चैंपियन है, ताते टोके एक मिनट, अरे हां यू नो आई एम हैंडलिंग, मैं कह रहा हूं वो क्या है, मैं कह रहा हूं बाकी यू शट अप ओके आई एम टॉकिंग, ये लगी हुई इससे वो गार्ड, अब ये समझ रहा कि आदमी बहुत चूतिया होता है, औरतों की बात पता है पर भूल जाती है, उन्हें ध्यान से उतर जाता, ऐसे उन्हें मालूम ऐसे उन्हें पता ही पर उन्हें ध्यान से ऐसे बहुत बड़ी एंट्री करती है वो, जैसे हंसने वाली टेक्निक है लड़कियों को इतने सालों में निकाली कि किसी भी चूते बातें हंस दो, उसमें हाँ नहीं कहना पड़ता ना नहीं कहना पड़ता, क्या अमेजिंग टेक्निक है, उतने फनी थोड़ी हम जितने बता देती हैं हमको, अभी इसको ऐसे छोटा फील कराएगी वो भी लड़ा गई, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप किसको भी फोन कर ले तो आप वो गार्ड वो भी तो आदमी वो भी लड़की से डांट थोड़ी सुन रहा है, कहते हैं तो क्या ऐसे पुलिस को बुला लीजिएगा 5,000 रुपए का जुर्माना है, देखिए इस तरह की अश्लील हरकतें आप करेंगे, तो कहेंगे मेरे पापा कलेक्टर है किसको पुलिस वालों को फोन कर रहे हो, तो कलेक्टर का बेटी है तो क्या कहीं भी चूमेंगे किसी को, अब ये सब क्या वो कॉन्वर्सेशन का अलग है, वो मॉरल वो कल्चर कल्चर कॉन्वर्सेशन चलेगी, आप मुझे ऐसे बोल नहीं सकते, आपको राइट नहीं है, राइट पर चलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, ₹5,000 मेरे कम से कम 11-12 महीने की पॉकेट मनी 5,000 होती है, तो अरुण मैंने कह रहा है गार्ड साहब कहाँ आप यार छोटी बात में लगे, ऐसे मैंने मुट्ठी में उसके अरुण की दबाई, उसने कहा
कि देखिएगा ये कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे आप, और ये कोई जगह नहीं है, ये पार्क, ये फैमिली लोग आ रहा है यहाँ पे सारा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये कोई तरीका है बताइए यहाँ पे, एक तो अश्लील हरकतें कर रहे हैं सबसे, ये उधर झाड़ी के पीछे ही रहिएगा तो अपना मार्केटिंग बहुत बढ़िया है। इन्होंने बनियान से ज्यादा जिंदगी में नहीं पहना है, इनको पता ही नहीं कि दुनिया में शर्ट है, इन तक ये खबर ही नहीं पहुंच रही, ये बगल में खड़ा था चो, इसकी नजर पड़ गई। तो उसने बोला कोई तो पैर की एक्सरसाइज थी, लेग एक्सरसाइज, और अपन से ज्यादा मेहनत नहीं थी, कल परसों मुंह धो के थक गया, बहुत मेहनत करनी होती है लेट डे, मैं थोड़ा दो के सेट करने में रेडी है, मैंने एक दो हो गए, अगली मशीन बताओ, कह लगा रहे सर 10-10 के ऊपर, मैंने ए झूठ नहीं बोला, देख मैंने देख के तो क्या रहे आंसर के ऊपर, तो स्टार्ट को लगा कि मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, बोला कि थोड़े जुझारू मोटिवेशन, तो ये मेरे पास है, कम ऑन कम ऑन की मदद, कम ऑन क्यों और कमाल तो ठीक था, मतलब क्या है मेरा दिमाग मैं इधर उधर मनाते मेरे को नाम जाकर खान के तो कि मैंने नाम इंदौर को के तो कि मैंने खजाना नहीं करने वाला के तो कि गालियां बकेगा मुझे रोने लग गया तो मेरे पे भी डाल गया, मैं क्या उसको थिएटर्स कहता यार मैंने कहा थोड़े दिनों में तू किसी फिल्म में एडी बनने वाला है कहता यार मैंने कहा उसके बाद तू खुद की फिल्म में हीरो बन गया कहता हैव यू मेट बिफोर डू यू नो मी मैं कहा नहीं नहीं मैं ये बंबई में बेरोजगारी समझता हूँ जबरदस्त भाई हमेशा की तरह जाकिर खान जो है जाकिर खान ही ना तो बहुत हमेशा अच्छी चीज़ें बनाते हैं और अपने आप में से अपने में से अपनी चीज़ों में से अपने फैमिली में से अपने घर में से अपनी आप बीती में से अपने फ्रेंड में से चीज़ें निकाल निकाल के चीज़ें बताते हैं और जिस बताने का जो अंदाज होता है ना बस वो एक बड़ा यूनिक होता है और वो खुद भी इंजॉय करते हैं उस चीज़ को उसके अंदर
और वो अपने आप से जरूरी हो गया ना कि यार आप मैं मुंह धो धो के थक गया हूँ, तो ये मुझे बात हम जैसे लोग हैं ना बाकी भी, क्योंकि हम बड़ा एक तो वो होता है कि यार अच्छा बनने के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आप जो खूबसूरत होता है मारा करो टच करो सब तो खूबसूरत रहता है। हम जैसे लोगों को यार मम्मी जब करें तो मम्मी थोड़ा सा यू करें तो अच्छा सर्च में अच्छा लगेगा, हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो हम थक जाते हैं उस चीज़ को करने के बड़ी मदद चीज़ होती है। हम इसलिए शुरू से पसंद करते हैं जाकिर को, क्योंकि एक तो उसका अंदाज जो है वो ना सरल रहता है, और जो उसकी कहानियाँ जो सबसे ज़्यादा गेम होता है जो अंदाजे कहानी और उसका अंदाजे में, और एक बिल्कुल जो है ना प्यार मोहब्बत से जैसे इसने शुरू करा कि भाई अच्छा इसने टाइटल जो रखा कि आप बहुत पिघले हैं, वो सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर हम समझ रहे थे कि कुछ आगे कहते हैं ज़्यादा होगा उसके बारे में, लेकिन वो जिसने एक कहा ना कि भाई बहुत पिघले हैं तब जाके सख्त हुआ, तो इसलिए बाकी सब पसंद करते हैं जाकिर को। हम बहुत डाई हार्ट फैन हैं जाकिर भाई के, और शाकिर भाई ने जो कहा उसको भी आप लोग अपने ध्यानों में रखिएगा, दरख ज़रूर लगाइएगा, तो उसको ख्याल भी रखिएगा, सिर्फ लगाना नहीं उसका ख्याल भी रखना, उसको बड़ा भी करना है। और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जब तक ले जा दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।